भारतीय किन्नर महासम्मेलन का आयोजन पादरी बाजार स्थित समाज के परिसर में किया गया। महासम्मेलन में पूरे देश से हजारों की संख्या में किन्नर समुदाय से जुड़े हुए लोग शामिल हुए। सम्मेलन में किन्नर समाज के लोग अपने सुख दुख को एक दूसरे से बांटते हैं। इसके साथ ही इनके आपसी विवाद का भी निपटारा इस किन्नर सम्मेलन के जरिए किया जाता है। पादरी बाजार में आयोजित अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन में देश भर से एकत्रित हुए किन्नर समाज के लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर मंथन करते हैं तो वहीं समाज की भलाई के लिए कामना भी करते हैं। मंगलवार को किन्नरों ने समाज की सुख समृद्धि की कामना को लेकर कलश यात्रा निकाली। झूमते नाचते और जश्न मनाते इन किन्नर समुदाय के लोगों को देखने के लिए काफी संख्या में लोग यहां पहुंचे थे। लगभग 5 किलोमीटर की इनकी कलश यात्रा में किन्नर समाज के लोगों पर आम लोगों ने पुष्प वर्षा की और इनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान किन्नरों ने कोरोना से हुए उथल पुथल को शीघ्र ही सही होने की कामना की। किन्नर समाज के इस सम्मेलन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, कलकत्ता, उत्तराखंड, गुजरात, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हुए हैं। इस सम्मेलन के जरिए वह अपने यजमानों की सुख समृद्धि की कामना करते हैं और इस बार विशेष रूप से देश से कोरोना खत्म होने की प्रार्थना भी अपने देवता से कर रहे हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए किन्नर मातंगी नंदिनी और किन्नर किरण ने कहा। अखिल भारतीय किन्नर समाज का सम्मेलन हो रहा है। पूरा हिंदुस्तान, अलंडिया के और नेपाल के, बांग्लादेश के, हर जगह के लोग आ रहे हैं। ये मेरे जजमान के लिए कि सब लोग दुआ करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भंडारा करते हैं, जजमान मेरे अच्छे रहे, गोरखपुर के जजमान, पूरा देश के जजमान, देशवासी लोग सब खुश रहे, फले फूले, कोरोना काल से दूर भागे, स्वस्थ रहे, हमेशा अच्छा रहे। 13 तारीख तक चलेगा, 1 तारीख से चालू हुआ था, 13 तारीख तक रहेगा। इसमें पूजा पाठ होता है, अमन होता है, बहन बैठते हैं, माँ बनते हैं, अपने में रिश्ता जोड़ते हैं।